Good morning, everyone. Today we are going to discuss about few type of phobias. Do you know what are phobias? देखिए basically phobias क्या होता है? Phobias is fear from something, some situation or some person. कुछ एक चीजों से, कुछ situation से, कुछ लोगों से जो fear होता है, कुछ specific type का, उनके बारे में हम discuss करेंगे आज. And उसके लिए कुछ फोबियाज को मैंने सॉर्ट आउट किया है और उसको एक जगह पे रखा है. इस पे मैंने अपना पर्सनल निमोनिक टेक्निक्स लगाया है ताकि इसको इजीली याद कर सकें, याद रख सकें. ये मेरा पर्सनल है, पर्सनल व्यू है, पर्सनल थॉट्स हैं. अगर आपको हेल्प मिलता है इससे आपको याद करने में तो आप इसको बखूबी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना खुद का निमोनिक टेक्निक्स लगा करके इसको याद करने की और याद रखने की कोशिश कर सकते हैं. विल डिस्कस. एंड एक और चीज़ ध्यान देते चले कि आखिर ये फोबियाज की रिक्वायरमेंट कंपटीशन में क्यों है. देखिए एज ए पार्ट ऑफ साइंस में भी आपको ये पूछा जा सकता है, मे नॉट भी पूछा जा सकता है, बट जनरली इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक SSC, रेलवे, बैंकिंग एंड UP TET देखा यह गया है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पर जनरली फोबियाज के बारे में पूछा जाता है. ठीक है, जैसे कि आपने भी जब प्रैक्टिस सेट्स वगैरह कर रहे होंगे तो आप देखेंगे पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ जो आज की क्लास में डिस्कस की जा रही है उसके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है. मैं जैसे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि एवरीथिंग विल बी फॉर अ कम्पिटिटिव फोकस. तो मैं जनरली कोशिश कर रहा हूँ कि कंपटीशन के फोकस के हिसाब से ही हम आगे बढ़ें. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट हैपेंस, देखिए स्टार्ट करते हैं. नंबर वन, एरोफोबिया. एरोफोबिया नाउ इसका मतलब क्या है? इट मींस फियर ऑफ फ्लाइंग. अब याद करने के लिए कि मैंने क्या रखा है, एरोफोबिया. नाउ यू सी द बोल्ड सेक्शन, एरो 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 अगर आप बोलेंगे आपको याद आएगा, एरोप्लेन. एरोप्लेन से इसको रिलेट कीजिए. एरोप्लेन क्या करता है? फ्लाई करता है. एरोप्लेन क्या करता है? फ्लाई करता है. तो फियर ऑफ फ्लाई इज एरोफोबिया. इस टाइप से निमोनिक टेक्निक को मैंने अप्लाई किया है अपना पर्सनल, एंड एक एक फोबिया को मैंने डील करने की कोशिश की है. अगर आपको सूट कर रहा है तो आप उसको अकॉर्डिंगली यूज कीजिए. उम्मीद है कि आपको याद रखने में आसानी होगी. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, नेक्स्ट मैं एक एक करके थोड़ा स्पीड से जा रहा हूँ सो दैट वीडियो शुड नॉट बी लेंदी. ओके, नाउ एरिथमोफोबिया. एरिथमोफोबिया इट मीन्स फियर ऑफ नंबर. नाउ हाउ टू रिमेंबर, यू सी द की, एरिथम एरिथम. नाउ एरिथमेटिक, एरिथमेटिक्स. एरिथमेटिक्स में हम क्या डील करते हैं? वी स्टडी अबाउट द नंबर्स, है ना. नंबर गेम ही है पूरा एरिथमेटिक्स, अंक गणित. तो नंबर्स, फियर ऑफ नंबर्स इज एरिथमोफोबिया. नाउ एस्ट्रोफोबिया, 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 एस्ट्रोफोबिया इज फियर ऑफ थंडर एंड लाइटिंग. नाउ एस्ट्रोफोबिया में एस्ट्र, अस्त्र, इसको अगर देखते हैं अस्त्र, हिंदी में क्या शब्द है? अस्त्र. सो अस्त्र को अगर हम देखते हैं अस्त्र करके, तो क्या है, रामायण महाभारत में अस्त्र का प्रयोग होता था, उस हिसाब से अगर हम याद रखेंगे अस्त्र क्या है, रामायण में अस्त्र के टकराने से थंडर और लाइटनिंग होता था. जी हाँ, ध्यान आ रहा है, एक तीर कृष्ण भगवान चलाते थे, सॉरी अर्जुन चलाते थे, एक तीर उधर से द्रोणाचार्य चलाते थे महाभारत के युद्ध में, और दोनों के टकराने से क्या पूरा बिजली गरज, बिजली चमकती थी और गर्जन होता था, राइट. तो उस तरह से अगर आप अस्त्रफोबिया को, एस्ट्रोफोबिया को अस्त्र से याद रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि अस्त्र थंडर एंड लाइटनिंग का फियर है. नाउ नेक्स्ट वन इज अटाइकी फोबिया. नाउ अटाइकी फोबिया इज फियर ऑफ फेलियर. नाउ की में देखें अटाइकी. नाउ उसको देख के अगर मिलाते हैं हम अटैची, हिंदी में अटैची शब्द होता है, अटैची सूटकेस, ब्रीफकेस. तो हमने कैसे याद किया कि फेलियर का सामना होने पर वह अटैची लेकर गांव वापस आ गया. गांव वापस आ गया. फेल, अभी जो कोई फेल होगा जिंदगी में वो वापस आएगा अपने गांव. आता है कोई, जाता है बाहर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने, वो वापस आना पड़ता है फेलियर हो जाता है. तो
तो अपना अटैची लेकर के वापस आ गया। इस तरह से अगर अटैकी फोबिया को अगर आप याद रखेंगे तो अटैची से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑटोफोबिया में आपकी देखिए ऑटो से ऑटोमेटिक शब्द बनता है, ऑटोमेटिक, और जो चीज़ें ऑटोमेटिक होते हैं उनके पास एसेसरीज, ठीक है ना, सब्सिडरी पार्ट्स बहुत कम होते हैं, मतलब वो अकेला होता है। इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो अकेला, ऑटोफोबिया, अकेला, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ऑटोफोबिया, ऑटो, तो कोविड के केस में ऑटो में लोग आजकल अकेले ट्रेवल करना पसंद करते हैं, तो अकेले, अलोन, तो फियर ऑफ बींग अलोन इज ऑटोफोबिया। नेक्स्ट इज बैक्टेरियोफोबिया में क्या है, एज द नेम सजेस्ट, इसका अगर की देखते हैं बैक्टेरिया सिंपल है, तो फियर ऑफ बैक्टेरिया इज बैक्टेरियोफोबिया। नाउ नेक्स्ट वन इज बैरोफोबिया, ध्यान दीजिएगा इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जनरली क्या है कि बैरोफोबिया इज फियर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का डर, ओवरवेट का डर भी आता है, यही मतलब है, ओवरवेट का, बहुत ज़्यादा वेट होने का या वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो जाने का, वेट का कंसर्न ही तो ग्रेविटी से है ना, नाउ मास का कंसर्न नहीं होता, वेट का, ओके नाउ इसको याद रखने के लिए अगर हम देखें बैरो की क्या रखा मैंने, बैरो, अब बैरो से मैं याद करता हूँ बैरोमीटर, बैरो बोलते ही याद आ जाएगा आपको बैरोमीटर, यस, और बैरोमीटर से क्या काम होता है, एटमोस्फेयरिक प्रेशर मापा जाता है, राइट, एटमोस्फेयरिक प्रेशर माना जाता है। अब एटमोस्फेयर से याद रखिए कि धरती पर एटमोस्फेयर क्यों है, एटमोस्फेयर होने का कारण धरती का ग्रेविटी है, धरती का गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण अगर नहीं होगा तो हमारा एटमोस्फेयर भी धरती पे नहीं होगा। तो ऐसे करके आप अगर गुरुत्वाकर्षण का डर बैरोफोबिया याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज बोटेनोफोबिया, फियर ऑफ प्लांट, नाम से सजेस्ट हो रहा है। बोटेनोफोबिया में की रखा मैंने क्या, बोटेनो से आप क्या याद आएगा आपको, बोटेनी क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, जैसे जूलॉजी होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स, वैसे बोटेनी क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, तो आपको की से निकल के आ गया प्लांट्स, बोटेनोफोबिया इज फियर ऑफ प्लांट्स, राइट। नाउ कैटोप्ट्रोफोबिया इज फियर ऑफ मिरर्स, दर्पण, आईना से डर, ठीक है ना, उसका की में मैंने क्या रखा, कैटोप्ट्रोफोबिया, इसमें से मैंने ऑप्ट को रखा, ओपीटी, ऑप्ट, ध्यान रखिए कैटोप्ट्रोफोबिया जब आता है आपके पास एग्जाम में आप इसमें से ऑप्ट को याद रखिएगा, ऑप्ट से आप जब जाइएगा तो आपको आएगा ऑप्टिक्स, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में ऑप्टिक्स क्या है, सब्जेक्ट है जो जनरली डील किससे करता है, मिरर्स, लेंस, लाइट्स, इससे डील करता है, तो वहां से आपको की याद रहेगा मिरर, तो फियर ऑफ मिरर इज कैटोप्ट्रोफोबिया।